अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज जो हम बनाए जा रहे हैं वो है चिकन कढ़ाई। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 1.5 kg हम लेंगे चिकन, उसके बाद हम लेंगे 4 अदद प्याज और 5 टमाटर, हम लेंगे लहसुन, अदरक, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून और 4 से 5 इलायचियाँ और 10 से 12 हरी मिर्चें। मेरे पास छोटी हरी मिर्चें थी इसलिए मैंने 10 से 12 छोटी हरी मिर्चें ली हैं। उसके बाद प्याज को इस तरह कट कर लें और एक देचकी में ऑयल डाल लें, उसमें प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दें। और ये हमने प्याज डाल दी है देचकी में ब्राउन होने के लिए। अब हम लेंगे ग्राइंडर, इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक और जो हमने छोटी हरी मिर्ची ली थी 10 से 12 वो भी हम इसमें डालेंगे। इन दोनों को साथ में ग्राइंड करेंगे। मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स पानी के डालूंगी ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और मैं फिर हम लेंगे 1/2 kg दही, उसमें जो हमने मसाले रखे थे नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, इलायची, हल्दी, इन पांचों को आपस में मिक्स करके मैंने ये 5 चीज़ें दही में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि दही में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। और फिर हम लेंगे अपने 5 टमाटर, उनके ऊपर से उसका छिलका उतार के हम उसको भी ग्राइंडर में डाल देंगे और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, इसकी पेस्ट बनाएंगे हम। यहाँ पे हमारे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी टमाटो पेस्ट, टमाटो और अदरक लहसुन हरी मिर्च वाली पेस्ट रेडी हो गई है। और ये जी हमारे प्याज भी हो गए हैं लाइट ब्राउन, अब हम इनको भी ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर में डाल देंगे। ऑयल अच्छे से खुश कर लें जब आप ग्राइंडर में डालें तो। अब जी हमारे ऑनियन भी होने लगे हैं ग्राइंड, अब हम डालेंगे अपना टमाटर और लहसुन अदरक वाली पेस्ट देचकी में। यहाँ पे हमारे प्याज हो रहे हैं ब्राउन, आप देख सकते हैं। और ये हमारा मिक्सचर जो टमाटो पेस्ट हो रहा था ये हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी ऑनियन वाली पेस्ट, देखें ये हमने डाल दी ऑनियन पेस्ट भी इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से आपस में एब्सॉर्ब हो जाए। फिर हम अपना दही में मिक्स किया हुआ मिक्सचर लेंगे, वो हम इसमें में डाल देंगे टमाटो और ऑनियन पेस्ट में। ये देखें ये हमने डाल दिया इसमें, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि ऑयल ऊपर की तरफ आ जाए। आप देख सकते हैं कि कैसे ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो रहा है। ये देखें ये हमारा हो गया मसाला रेडी। अब हम अपना चिकन जो हमारा 1.5 kg है वो हम इसमें डाल देंगे। ये हमने चिकन डाल के इसको मिक्स कर लेंगे हम।
और हम इसको फिर कवर करके रख देंगे कोई 15 से 20 मिनट के, ताकि ये अच्छे से पक जाए। मैंने इस पर थोड़ा सा पानी डाला था ताकि अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए ये सारा मसाला चिकन वगैरह आपस में। तो जी ये देखें, अब हम इसको कवर कर देंगे और हम इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और जब 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये। तो ये देखिए, इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर लें, इसकी अच्छी सी भुनाई कर लें और हमारा मज़ेदार से चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और आपकी सर्विंग प्लेट रेडी। ये देखिए, यम्मी सा सालन। प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा।